हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं कोडिंग लेटर फ्रेमवर्क। पिछले वीडियो के अंदर हमने राउट्स पे काम किया था कि कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं राउट्स में, और हमने देखा था कि एसईओ फ्रेंडली जो यूआरएल होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो ये हमारा पिछला वीडियो है जिसके अंदर हमने यूआरएल पे काम किया था। अगर आप इस वीडियो के सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक हमने यहाँ पे दे रखा है, डाउनलोड वीडियो सोर्स कोड लिंक। इस वेबसाइट पे जाके आप इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके अंदर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप दिए हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको कोऑर्डिनेटर में हेल्प मिलेगी। यदि कोई आपके पास कोऑर्डिनेटर में कोई एरर या इशू आता है तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज करके आप हमारे से एरर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अब अपन अपने इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं। अभी हमने बेसिक में सीखा था कि सिंगल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाता है कोऑर्डिनेटर में। अब देखेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। स्टेप को क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं इसके अंदर एक कंट्रोलर होम। होम के अंदर हम एक इंडेक्स फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, नहीं बना हुआ अभी, 404 दिखा रहा है। अब इंडेक्स की जगह हम लिख लेते हैं इसमें इंसर्ट मल्टीपल स्टूडेंट। इस नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ, इंसर्ट मल्टीपल स्टूडेंट। कॉपी, कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर के अंदर होम डॉट पी एच पी। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नेम है और इसमें हम एक पेज लोड कराएंगे, डॉलर दिस लोड व्यू। कौन सा पेज लोड कराना है? स्टूडेंट इंसर्ट के नाम से एक पेज है, वो लोड कराना है। ठीक है, पेज बनाते हैं। पेज हम बनाएंगे व्यूज़ के अंदर और व्यूज़ में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, स्टूडेंट इंसर्ट डॉट पी एच पी। ठीक है, ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, इसमें इसका जो सिंटैक्स होता है वो मैं लिख देता हूँ HTML का। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल क्लॉज, हेडिंग देते हैं इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इन CI। ठीक है, CI के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं मल्टीपल। बॉडी एंड बॉडी को क्लोज करते हैं। इसमें H1 में हम लिख देते हैं इंसर्ट। ठीक है, कंट्रोल R करते हैं। ठीक है, टाइटल की ये गलत लिख दिया, टाइटल। ठीक है, टाइटल में सेट हो गया इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इन CI। ठीक है, अब हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो टेबल एंड टेबल क्लोज। टेबल के बाद हमें बनाना पड़ेगा TR। TR के बाद में हमें PD बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हम बनाते हैं, एक तो हम बनाएंगे इसमें हेडिंग, H6 के अंदर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसके नीचे बना देते हैं कि इनपुट टाइप उसका रहेगा टेक्स्ट, नेम हम इसको दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और एक और TD बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, स्टूडेंट नेम हो गया,
सब्जेक्ट बना दिया, इसका भी चेंज करते हैं नेम सब्जेक्ट, ठीक है। एक हम बनाएंगे, एक और बना लेते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं फीस, फीस, ठीक है, कंट्रोल आर करते हैं। एच सिक्स तो बहुत छोटा हो गया, तो एच सिक्स की जगह 5 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये एच फाइव में ठीक लग रहा है, तो एच फाइव में कर देते हैं इसको, ठीक है, ये एच फाइव में हमने लिख दिया है। हमारे पास एक रो है जिसमें हम स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और फीस को इंसर्ट कराएंगे, और इसको अभी मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यानी कि ये 3 रो हो गई, इसमें 3 रो। अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं, फिर इसको डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हमारे को टाइप एरे देना पड़ेगा, एरे देना पड़ेगा इसको अब, क्योंकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हम एरे नहीं देते तो ये सिंगल वैल्यू लेगा, एरे से हमार को मल्टीपल इंसर्ट करने देगा ये, ठीक है। तो इस 3 को हमने एरे में बदल दिया कि इसके अंदर एरे आएगा। अभी ये 3 है, ये स्टैटिक है, अभी हम इसको डायनेमिक बनाएंगे तो मल्टीपल इंसर्ट करेंगे, फिर tr tr क्लोज td td क्लोज। अब हम इसमें एक बटन बना लेते हैं, बटन टाइप सबमिट, ठीक है, बटन क्लोज, इसको लिखते हैं इंसर्ट डाटा, ये बटन बना दिया, इसको क्लिक करते हैं, बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं डाला। फॉर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, टेबल से ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, सीआई का फॉर्म ओपन, फॉर्म हेल्पर का फंक्शन है फॉर्म ओपन, ठीक है, और इसको नीचे आते हैं, टेबल के नीचे क्लोज करते हैं, फॉर्म क्लोज, तो ये क्या करेगा, टैग लगा देगा अपने आप, एरर दे दिया इसने, एरर ये दे रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन फॉर्म ओपन, ठीक है, आपने फॉर्म हेल्पर को यूज़ नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। फॉर्म ओपन फॉर्म हेल्पर का फंक्शन है, ऑटो लोड में आएंगे, हमारे हेल्पर कहाँ है, जेरे URL हेल्पर इसमें डाल दिया था, फॉर्म हेल्पर डाल देते हैं, सेव कर देंगे, कंट्रोल आर, एरर नहीं दे रहा, बटन पे क्लिक करते हैं, पेज रीलोड हो रहा है, उसी पेज पे वापस आ रहा है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म का एक्शन देते हैं, फॉर्म कहाँ जाना चाहिए, सबमिट, तो इसको लिख देते हैं सबमिट डाटा, एक हमारा फंक्शन है, जैसे ही बटन पर क्लिक होगा सबमिट डाटा पर चला जाएगा, ये क्लिक करते हैं, सबमिट डाटा पर चला गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा फॉर्म हो गया, बटन बना दिया, अब एक हमें काम करना है, डाटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, पीएचपी में एडमिन ओपन करते हैं, और यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले, तो डाटाबेस भी कनेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू भेजने के लिए डाटाबेस डॉट पीएचपी ओपन करते हैं, इसके अंदर हमें यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड हमने कोई नहीं लगा रखा, डाटाबेस हम इसको लिख देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, रूट हमारे पास है, पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये ओपन कर देगा इसका पीएचपी माय एडमिन, ठीक है, ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, और डेटाबेस किस नाम से बनाना है, स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको लिखना है कलेक्शन, कलेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है,
डाटाबेस क्रिएट, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर हम बना देते हैं जैसे कि यूज़र्स बना देते हैं। कितने कॉलम है हमारे पास, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट है, फीस है और एक इसकी आईडी है, ठीक है, तीन चार पाँच ले लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। अब पाँच के अंदर हमें क्या क्या बनाना है, एक तो हमारा आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया और हमारा फीस हो गया और एक हमारी डेट हो गई किस दिन रजिस्टर हो रहा है, इंटीजर रहेगा। वॉरकेयर सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट हमारा वॉरकेयर रहेगा, फीस हमारी डेसिमल रहेगी, डेट हमारी डेट रहेगी, ठीक है। लेंथ दे देते हैं इसको 11 दे देते हैं, 255, डेसिमल में 10 कर देते हैं और इसकी डेट, डेट कितनी आती है इसको भी 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसे हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है, क्लिक करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट पे, ओके करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया, डाटाबेस के अंदर एसटी यूज़र के नाम से टेबल भी बन गई। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है ये वाला डाटा इस डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब हम फंक्शन पे चलते हैं, सबमिट डाटा, कॉपी, होम कंट्रोलर है हमारा, पब्लिक फंक्शन, पेस्ट कर देते हैं, हमारे फंक्शन का नाम है। इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास है स्टूडेंट नेम, ठीक है, डॉलर दिस इनपुट पोस्ट, ठीक है। नेम क्या दिया था हमने, कॉलम का स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। इको करते हैं एक बार, इको करेंगे एरर देगा क्योंकि ये एरर आ रहा है तो ये प्रिंट के अंदर एरर देना चाहिए, ठीक है। रीलोड किया, डी टिया इसमें ए कर देते हैं, इसमें बी कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट डाटा, एरर दे रहा है क्योंकि एरे को आप इको नहीं कर सकते, उसको करना पड़ेगा प्रिंट आर, ठीक है। तो इसको इको हटा देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है ये, प्रिंट आर करना पड़ेगा, एरे आ रहा है इसके अंदर। कंट्रोल आर करते हैं, डी आ गया, ए आ गया और बी आ गया, तीनों रो आ गए इसके अंदर, तीनों रो का डाटा आ गया, यानी यहाँ तक हमारा कोड सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, कि हमें बनाना है एक डाटा, डाटा के नाम से एरे बनाया और उस एरे के अंदर ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले वेरिएबल को भी हम ले लेते हैं, हमारे पास तीन वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आएगा सब्जेक्ट और एक इसको कॉपी करेंगे, लास्ट है हमारे पास फीस, 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 ठीक है। अब हमारे पास इन तीनों में एरे है, तीनों के अंदर एरे के फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एरे को सिंगल रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम हमारा डाटा वहाँ पे भेज सकते हैं डाटाबेस में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लूप चलाना पड़ेगा, लूप चलाते हैं, फॉर आई इक्वल जीरो करते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा और आई इक्वल ग्रेटर देन काउंट, काउंट करेगा कि स्टूडेंट नेम में कितनी बार वैल्यू आ रही है, जिस तीन बार आ रही है तो तीन काउंट करेगा, ठीक है।
और आई प्लस प्लस करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हम इको कर देते हैं एक बार स्टूडेंट नेम डॉलर आई, कैनकेटिनेट कर देते हैं ब्रेक लाइन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे, तीनों नाम हमारे पास आ गए हैं फॉर लूप से, ठीक है। ब्रेक लाइन भी लगा दी हमने, कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। स्टूडेंट नेम है हमारे पास, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है और हमारे पास फीस है। अभी हमारे पास इसमें हमने वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे नहीं आएगी। एंटर करते हैं, जैसे कि मैं नाम डाल देता हूँ एक दीपक, सब्जेक्ट है CS, फीस है 2000, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं अजय, एजेक्स कर दिया इसमें मैंने, ठीक है। इसको लिख देते हैं IT, इसमें फीस डाल देते हैं 5000। इसमें लिख देते हैं लोकेश, इसको लिख देते हैं BA और इसमें लिख देते हैं जैसे कि 6000। सबमिट डाटा करते हैं, दीपक CS 2000, एजेक्स IT 5000, लोकेश BA 6000, तीनों का डाटा आ रहा है। अब तीनों को एक साथ इंसर्ट कराना है इसके अंदर, यानी तीन रो एक साथ इंसर्ट होगी इसमें। कैसे करेंगे, इनको तो हमें हटा देते हैं, कमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक हमें डाटा का वेरिएबल एरे बनाना पड़ेगा और उस एरे के अंदर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टूडेंट नेम है हमारे पास, तो स्टूडेंट नेम वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी ये वाली, इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, पेस्ट, ठीक है, कोमा लगाएंगे। दूसरा कॉलम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कॉलम है फीस का, फीस का क्या नाम है, डॉलर फीस आई, डॉलर आई, ठीक है, ये फीस आ गई। और फीस के बाद हम ले रहे हैं डेट, डेट में चले जाएगी आज की डेट, ठीक है। फॉर्मेट हमारा रहेगा YMD, YMD में डेट चली गई। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, ये लूप यहाँ तक चल रहा है, बाहर आ जाते हैं, इंसर्ट बैच, ठीक है, डॉलर दिस DB, इंसर्ट बैच, ठीक है। किसके अंदर इंसर्ट करना है, ST यूजर्स की टेबल है, क्या इंसर्ट करना है, डाटा इंसर्ट करना है। और रिजल्ट वेरिएबल बना लिया, क्या रिस्पॉन्स आता है, इफ़ अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये मैसेज चलेगा, इको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। एरर इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। पीछे करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं है, डालते हैं वैल्यू दीपक CS 2000। अब इसमें देते हैं अजय, BTech कर देते हैं इसको 5000, ठीक है। इसमें देते हैं मनीष, इसको देते हैं MA और इसको दे देते हैं 1400, ठीक है। एंसर डाटा पे क्लिक करेंगे, ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी होम के अंदर DB, क्यों, क्योंकि हमने डाटाबेस को लोड नहीं किया लाइब्रेरी के अंदर, इसलिए ये एरर दे रहा है।
लोड कर लेते हैं। कहाँ लोड करना पड़ेगा? ऑटो लोड डॉट पी एच पी। लाइब्रेरी हमारी कहाँ पे है? लाइब्रेरी ये रहा, लाइब्रेरी हमारी यहाँ है। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है? डाटाबेस। ठीक है, कंट्रोल आर करना है, कंटिन्यू, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट। ठीक है, मैसेज आ गया, चेक करते हैं। तीन रो इंसर्ट हो गई एक साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैटिक तरीका कि हमारे पास फॉर्म दिख रहा है जिसमें तीन रो है और वो इंसर्ट हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम डायनामिक रो लेंगे कि जैसे मान लो हम एक नंबर डालेंगे 5 या 10, तो उतना हमारे पास रो बन जाएगी और उसके बाद हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा, उसको हमें इंसर्ट करवाना है। ठीक है, वीडियो देख लेते हैं एक बार, 20 मिनट का हो गया ऑलरेडी। तो पहला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि स्टैटिक तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे ये URL है, इसके अंदर हम एक नंबर पास करेंगे जैसे कि 10, एंटर करते हैं तो हमारे पास जो ये फॉर्म है 10 तक रो बना देगा अपने आप। उसके बाद हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो जितने नंबर ही हम यहाँ डालेंगे उतने रिकॉर्ड ये डाटाबेस में इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे क्योंकि अगर इसमें करते हैं तो ये वीडियो का साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। ये 20 मिनट का ऑलरेडी हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम आपको वीडियो बना के वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको मल्टीपल रिकॉर्ड में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। और सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए हमारी यहाँ पे वेबसाइट है, गूगल पे चलते हैं। code.dsocservice.co.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसका URL कहाँ है? ये रहा, code.dsocservice YouTube वीडियो सोर्स कोड डाउनलोड। ठीक है, ओके करते हैं, ओपन किया इसको, इस पर हम व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डाल रखा है। एक हमारा प्रोजेक्ट है उधार खाता का जिसको हमने CI में बनाया है, उसका सोर्स कोड हमने यहाँ पे डाला है। और एक हमने पिछला वीडियो बनाया था कस्टम URL का सोर्स कोड हमने इसके अंदर डाला है, तो आप यहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का ये बटन है, इसको व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो कोड लिखा था कस्टम रूट के लिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने का वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट के बाद आपके पास रजिस्टर होते ही 10 कॉइन मिल जाएंगे आपको और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट बनाएंगे कि डायनामिक कैसे इंसर्ट कराते हैं। ये हमारा स्टैटिक हो गया, अगले वीडियो में मिलते हैं डायनामिक के साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है।